नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको दो तीन चीजें और बताऊंगा जो इंडिया में आने वाली है। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो बात आ जाती है आज की गाड़ियों की, कि देखिए रेनो ट्राइबर की, मैं आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि देखिये इस गाड़ी को बहुत ज्यादा भाई लोग लेना जरूर चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इंजन में दम नहीं है। तो मैं इस बारे में देखिए बहुत ज़्यादा बार आपको बता चुका हूँ, आपको भी वैसे पता ही होगा ज़्यादातर बंदों को, लेकिन जो अभी सोच रहे हैं इस गाड़ी को लेने के बारे में, तो मैं आपको बताऊँ, मतलब इस गाड़ी को ऐसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है जो काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। उनको भी पता था कि अगर वो रेनो ट्राइबर 7 सीटर बना रहे हैं तो वो 7 लोगों के साथ काम आनी भी चाहिए। कंपनियां कभी ऐसा नहीं करती कि वो गाड़ी को ऐसे ही अजीब से तरीके से डिजाइनर आपको मतलब अजीब चीज़ें दे दे। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर गाड़ी में ये 1000 सीसी का इंजन आ जाता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 1000 सीसी के साथ ये 7 लोगों को आसानी से हैंडल कर लेती है। बाकी आप अपनी हिसाब से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकते हैं आपको कैसी लगती है। अब इस बारे में बात करें तो रेनो की एक और जो नई न्यूज़ आ रही है कि इनकी नई गाड़ियाँ आपको जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, नई गाड़ियों की टेस्टिंग इनकी चल रही है और वो काफ़ी अच्छे अपडेट के साथ, और न्यू जनरेशन की गाड़ियाँ मतलब जो आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगी वो आपको मिल जाएगी। भाई रेनो ट्राइबर के एक टर्बो इंजन के बारे में बात आ रही थी तो वो भी आपको शायद देखने को मिल सकता है, 2022 में भी उसके बारे में बातें की गई थी। नई गाड़ी अभी आपको रेनो की तरफ से ऑफर की जाएगी, तो देखना होगा कितनी प्राइस पे जो रेनो है अपनी गाड़ियाँ ऑफर करते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ ज़्यादातर वैल्यू फॉर मनी ही मानी जाती है। आपको क्रेटा या जो सेल्टोस है उसके कंपटीशन में भी ये गाड़ी अपनी कुछ लॉन्च कर सकते हैं। तो बस ये छोटा सा अपडेट मैं आपको बता रहा था। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो न्यू अर्टिगा है वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। जो न्यू इसका जो आप फेस लिफ्ट कह सकते हैं वो आ रहा है, उसमें ज़्यादा चेंजेस वगैरह तो नहीं होंगे। कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होगी, तो प्राइसिंग वगैरह में इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपको वैसी सेम ही मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे ऊपर ही मानिए देखने को मिल सकता है। इतनी कोई बड़ी इसमें जो अलग वेरियंट या कह रहे थे कि कम जो अपने प्राइस में आएगी अर्टिगा कम फीचर्स के साथ, तो ऐसा तो कुछ अभी इसके बारे में नहीं कहा गया है। तो मतलब यही बात है कि जो इसका फेस लिफ्ट आ रहा है कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही वेरिएंट के साथ और ऐसा ही चलता रहेगा। तो देखना होगा आगे इसमें क्या क्या होता है। अब यही था कि क्योंकि देखिए अगर रेनो की हम बात करें तो ये जो अपनी नई गाड़ियाँ ला रहे हैं मुझे लगता है काफ़ी अच्छी होएंगी, अगर इनके प्राइसिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो यही था वीडियो में, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।